फ्रेंड्स, मैं हूँ मीरा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए तूर दाल यानी अलहर की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ कि उसको हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे जो है मैं इसी कप से 1 कप और हाफ कप यानी 1.5 कप जो है अलहर की दाल ली हूँ। मिर्चा पाउडर, हींग पाउडर, 1 टमाटर ले ली हूँ, नमक, हल्दी पाउडर, घी ले ली हूँ। चलिए सबसे पहले हम दाल को धुलेंगे। पहले हम पानी डालेंगे 1 गिलास, उसके बाद जो है हमें इसको अच्छे से धुल लेना है इसी तरह से। उसके बाद इस पानी को जो है निकाल देना है। अभी एक बार हम और धुलेंगे, 2 पानी हमें इसको धुलना है। दाल को हम अच्छे से धुल लिए हैं, ये देखिए। उसके बाद जो अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। इसी कप से हम 3.5 कप इसमें पानी डाले हैं। उसके बाद हम मसाला डाल देंगे, मिर्चा पाउडर, नमक, हींग पाउडर, हल्दी पाउडर, टमाटर, थोड़ा से घी। उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे एक बार इसी तरह से। उसके बाद हम ढक्कन में साइड साइड से घी लगा देंगे ताकि दाल जो है बाहर न गिरे इसी तरह से। उसके बाद हम धीमा कर देंगे। धीमा करने के बाद जो है हमें 2 सीटी इसमें लगा लेना है। जैसे कोई कोई दाल जल्दी चुर जाती है तो उसमें 2 सीटी लगाना है, जो जल्दी नहीं चुरती है उसमें 3 से 4 सीटी लगा देना है। ये बहुत जल्दी चुरती है इसलिए इसमें हम 2 ही सीटी लगा। आप लोग खुद ही देखिए, हम इसमें घी पहले से थोड़ा से डाल भी दिए थे और साइड साइड से रबड़ के पास हम लगा दिए थे, इस वजह से एक भी दाल जो है बाहर नहीं आया है, बाहर जो है दाल नहीं निकली है, इसलिए हमें वो ज़रूर करना चाहिए। 1 सीटी आ गया है, अब इसमें 1 सीटी अभी हम और लगाएंगे। दो सीटी इसमें आ गया। अब हम गैस को जो है बंद कर देंगे और इसका प्रेशर जो है निकलने देंगे। जब प्रेशर निकल जाएगा उसके बाद जो है हम इसमें तड़का लगाएंगे। जब तक प्रेशर निकल रहा है तब तक हम इधर थोड़ा से पानी भी रख दिए हैं, गर्म हो रहा है, दाल में हमें डालना है। पानी को हमें अच्छे से बॉइल कर लेना है। प्रेशर निकल गया है, ये देखिए। अब हम इसमें जो है पानी, गरम वाला पानी डाल देंगे। अब एक बार हम पहले चला के देख लेंगे। अभी हमें जो है 1 कप पानी और चाहिए। हम इसमें जो है 2 कप गरम पानी डाल दिए हैं। फिर से हम एक बार देख लेंगे। अब दाल ठीक है, ना बड़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, एकदम सही है। अब हम जो है तड़का लगा लेते हैं। तड़के के लिए हम जो है यहाँ पे 2 हरा मिर्चा लिए हैं, हींग पाउडर, 1 मीडियम साइज का प्याज काट लिए हैं, 4 पीस कली जो है लहसुन का लिए हैं, घी लिए, राई जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कड़ी पत्ता लिए हैं और हरी धनिया लिए हैं। चलिए अब हम जो है तड़का लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घी डालेंगे। सबसे पहले घी गरम हो गया, अब हम सरसों डाल देंगे, हींग पाउडर,
प्याज, हरा मिर्चा, लहसुन। जब तक तड़का ब्राउन हो रहा है तब तक हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाले हुए हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा नमक और भी डाल देंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे इसी तरह से। तड़का ब्राउन हो गया, हम हरी धनिया भी थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। अब उसके बाद जो है दाल को इसी में डाल देंगे। उसके बाद जो है हमें मिक्स कर देना है, इसी तरह से घुमा देना है। दाल रेडी हो गया है, अब हम इसको जो है किसी बाउल में खाली कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है, बहुत ही टेस्टी दाल बनके रेडी है खाने के लिए। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी बना हुआ है, कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी मैं ऐसे अच्छी अच्छी न्यू न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।